बहुत झटपट इजीली क्विकली ये बन जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई अपने व्यूअर से भी शेयर करूं कि मैं सिंपल सी चिकन कढ़ाई जो मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसमें ऑयल ऐड किया, ऑयल डाला, ऑयल को गर्म करने के लिए आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब ऑयल इसमें गर्म हो जाएगा, अच्छा जी मैं जो कोरमा बनाती हूँ वो शान के रेसिपी से बनाती हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकती हैं, कभी कभी मैं खुले मसाले से भी बना सकती हूँ और कभी कभी जो है मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तेल गरम हो जाए। तेल गरम होने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मैं आपको अभी ब्राउन करके दिखाऊँगी कि मैं कैसे प्याज ऐड करती हूँ। और तेल थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि कोरमे में तो तेल सही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि तेल कम हो जाए और वो बुरा लगे। और आपके देखिए कि ऑयल जब तक हीटअप नहीं हो जाए आपने प्याज नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा भी हीट ना हो कि वो जल जाए, बस इतनी हो जाए कि आपकी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। और देखिए मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ अब ये ब्राउन होने के लिए। इस पर अब मैं इसे प्याज को फ्राई कर रही हूँ, लाल कर रही हूँ, ब्राउन टाइप का ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि फिर भी मैं इसे क्या करती हूँ। अब मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि कोरमा में आप कच्ची पकी सी प्याज नहीं डाल सकते हैं, आप इसे डार्क ब्राउन करके जिसे उसके बाद आपने इसको कुछ लोग जो है वो डार्क ब्राउन। अस्सलाम वालेकुम अगेन और वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल। आप ये देखें कि इस तरीके से मैंने इसे ब्राउन किया है, अभी और अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए आप इस तरीके से आप इसका पूरा एक सिस्टम देखें। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये प्याज जो है अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं इसे दही के साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, इस क्वांटिटी में दही होगी मेरे पास और ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चिकन है और इसमें मैंने 1.5 पाव के करीब प्याज लिए और दही मैंने 1 पाव लिया है। और जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं दही के साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखिए अब मैं थोड़ी से 1-2 मिनट इसे और मज़ीद फ्राई करूँगी और फिर मैं इस प्याज को निकाल दूँगी। ये देखिए आप प्याज कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है यहाँ पे और इस तरीके से मैंने इसको कम बैक। और इसमें जो है हम पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ऑयल को दोबारा से हीट करके, प्याज पहले मैंने ब्राउन करके निकाल ली थी। अच्छा जी कुछ लोग अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बाद में डालते हैं, मैं पहले डालती हूँ ताकि इसकी जो हीक होती है वो निकल जाए और खाने में इसकी स्मेल ना आए। और इसकी अच्छी तरीके से पहले 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, आप देखें इस तरीके से। और किसी भी सालन में अगर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया हुआ है तो आप उसको अच्छे से 1 से 2 मिनट फ्राई करें, क्योंकि उसकी अपनी एक मखसूस जो है वो स्मेल होती है और भूनने के बाद वो स्मेल जो इन्हेंस हो जाती है, लेकिन भूनने से पहले वो अच्छी नहीं लगती, फिर आपके खानों में स्मेल आए वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और खाने तो वैसे ही अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे और अल्लाह ताला आपको बहुत सुकून और इज़्ज़त और ज़िंदगी दे। अच्छा जी बात करते हैं चिकन कोरमे की तरफ, दोबारा से अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। अदरक लहसुन की भुनाई के बाद आपने इसमें चिकन डाली है, मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन लिया है, आधा किलो से ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में फैमिली मेंबर कम है। और इस तरीके से आप इसकी आप इस तरीके से भुनाई कर लें, फिर इसमें आपने ये मसाला डाला। अच्छा एक बात याद रखिए कि अगर आप कोरमा बना रही तो उसमें आप घर के भी इंग्रेडिएंट्स डालें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम घर से भी एडिट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी सी
हल्दी घर से डालती हूँ हर सालन में, अगर मैं पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ जब भी और नहीं करती हूँ तो ज़ाहिर ऑब्वियसली ये पिसी हुई मिर्च डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और कोरमा में गरम मसाला ऐड होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो अलग से भी डालती हूँ। ये भी डाल दें आप। ये देखिए आप, इस तरीके से आपने इसकी बुनाई कर, एक रफ चीज़ है आप हमेशा अपने साथ रखें कि अगर आपसे कोई भी चीज़ मिस होके गिर रही है चूल्हे पे तो आपने उसको फौरी फौरी से क्लीन कर दिया, क्योंकि किचन हो या घर हो ज़ाहिर है वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हम औरतों की ज़िम्मेदारी होती है, और उसको साफ़ करना एक तो हमारे इस्लाम में भी है कि आप अपना घर साफ़ सुथरा रखें, तो उसका हिस्सा किचन एक बड़ा पार्ट होता है हम औरतों के लिए कि हम अपना बेशतर वक्त यहीं गुजारते हैं, तो इसको भी क्लीन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। चिकन को आपने 1 से 2 मिनट जो है वो भून लिया, भूनने के बाद अब ये देखें आप, ये है वो पेस्ट जो प्याज और दही से मिक्स होके मैंने ग्राइंड करा है। ये मिक्सर है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा मैंने रखा हुआ है। आपने अब ये सारा इसमें डाल दिया, ये देखें आप, जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाती हूँ वो इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें, बिल्कुल ईजिली, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सुकून से आप अपने खाने को बनाया करें, इसको इन्जॉय किया करें। अच्छा जी, अब आपने इसकी बुनाई शुरू कर दी, आप ये देखें, थोड़ा सा इसको भूनें, और भून कर जो है आपने इसको कैप करना है। कैप करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद हम इसे देखेंगे। चलिए जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कोरमे की शक्ल अब कैसी है। ये देखें आप, कितने मज़ेदार से इसमें से खुशबुएं उठ रही हैं। और हमारे घर में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने शौहर अपने घर वालों के हिसाब से ऑयल को मद्देनज़र रखिएगा। हमारे घर में ऑयल थोड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें, क्योंकि कलर जब तक खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाए और खाने में मज़ा ना आए तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है पकाने का। अच्छा जी, अब मैं आपके इसके बिल्कुल सेक्रेट एक चीज़ बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये देखें, मेरे हाथ में थोड़ी सी जावित्री को मैंने कूट दिया है, जायफल जावित्री को कूट के मैं ये थोड़ा सा पाउडर एंड में ऊपर से डालती हूँ कोरमे में। इसकी जो खुशबू होती है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाती है। और ये है केवड़ा मेरे पास, ज़ाफ़रानी केवड़ा, ये भी मैं तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी। और इसको फिर मैं इसको एक बार हल्का सा ऐसे साइडों साइडों से करके इसको कवर कर दूँगी, और मज़ेदार सा जो है मेरा चिकन कोरमा तैयार है। आप लोग बिल्कुल ट्राई करिएगा, ये बहुत ही क्विक और बहुत आसान सी रेसिपी है, और इसको आप ट्राई करके प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा, और आपने बनाया ट्राई किया, और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक आपके भी खानों में बहुत बरकत दे, और अल्लाह हाफ़िज़।